रुख में आए हैं। चालीस बच्चियों के साथ जो हुआ उन पर जो आक्रमण हुआ, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मगर हम सिर्फ उन 40 बच्चियों के लिए नहीं आए हैं, हम हिंदुस्तान की हर एक महिला के लिए यहाँ आए हैं। देश में अजीब सा माहौल बन गया है। महिलाओं पर बलात्कार, आक्रमण, जो भी आज हिंदुस्तान में कमजोर है, दबा हुआ है, उस पर खुलेआम आक्रमण हो रहा है। चाहे वो महिला हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, जो भी इस देश में कमजोर है, उस पर आज आक्रमण हो रहा है। और हम यहाँ आए हैं तो हम देश के लोगों को बताने आए हैं कि हम देश की जनता के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ खड़े हैं, उन बच्चियों और उनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं, और हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। तेजस्वी जी ने प्रेस के बारे में कहा बीजेपी माइंडेड, नहीं, मगर मैं आपको बताता हूँ ये बेचारे बीजेपी माइंडेड नहीं है, ये घबराए हुए हैं, इनको दबाया जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जब ये अपना काम करने की कोशिश करते हैं तो इनको नौकरी से निकाला जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। जरूर 4-5% इतने से बीजेपी माइंडेड होंगे, मगर 90% से ज्यादा ये लोग बीजेपी माइंडेड नहीं है, ये अपना काम करना चाहते हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं प्रेस के मित्रों से भी कहता हूँ, डरो मत, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपना काम करो, घबराओ मत, जो आपका काम है सच्चाई लिखना आप खुल से करो। नीतीश जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि शर्म की बात है, उनको शर्म आ रही है, और सही बात है। नीतीश जी को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए, और जिसको पनिश करना है, जिसको जेल में डालना है, जल्दी से जल्दी उनको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सचमुच में शर्म आ रही है तो फिर काम करके एक्शन लेके नीतीश जी दिखाए। देश में जैसे आपको यहां दिख रहा है, विपक्ष एक साथ खड़ा है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस की सोच, दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान, और ये सच्चाई आपको अब आने वाले समय में दिखाई देगी, प्रधानमंत्री जी को दिखाई देगी, उनकी पार्टी को, लोगों को दिखाई के लोगों को दिखाई देगी, और पूरे हिंदुस्तान को दिखाई देगी। हिंदुस्तान कह रहा है कि जो पिछले 4 सालों में हुआ वो हमें अच्छा नहीं लगा, जो आक्रमण हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिस्ट्री पे, कल्चर पे किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और जब हिंदुस्तान अपना मन बना लेता है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अंत में आप सब आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, बाकी नेताओं की बात सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक मिनट के लिए हम चुप खड़े होंगे, मौन में उन लड़कियों के लिए खड़े होंगे। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी।
आप हमारे YouTube पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।